आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। गिरिडीह, क्या रविंद्र पांडे के विजय रथ पर लगेगा ब्रेक? विपक्षी गठबंधन ने सीट छीनने की बनाई रणनीति। पार्टी के अंदर सांसद की कमजोर स्थिति भी बनेगा कारण। इस सीट को लेकर भाजपा में चल रहा है घमासान। ढुल्लू ने खोल रखा है मोर्चा। बिंदु भूषण दुबे भाजपा में बना रहे हैं तीसरा कोण। केंद्रीय नेतृत्व भी प्रत्याशी बदलने के मूड में। झारखंड की पहली लोकसभा सीट जहां किसी भी दल में प्रत्याशी को लेकर नहीं बनी है सहमति। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। खबर विशेष में लोकसभा वार समीक्षा के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र की। तीन जिले से घिरी हुई ये लोकसभा सीट अलग राज्य बनने के बाद सबसे ज्यादा समय तक भाजपा ने यहां से जीत दर्ज की है। भाजपा के रविंद्र पांडे वर्ष 2009 से लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन इस बार इनका मामला फंसता नजर आ रहा है। विपक्ष की बात नहीं भी करें तो अपने ही इन्हें लगातार घेर रहे हैं। आलाकमान की भ्रिकुटी भी इनके खिलाफ टेढ़ी है। बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो ने तो मानो इनके खिलाफ मोर्चा ही खोल रखा है। इस लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और लगभग सभी विधानसभा क्षेत्र महतो बहुल हैं। अभी तक यहां से प्रत्याशी कौन होगा इस पर ना तो भाजपा ने खुलासा किया है और ना ही विपक्ष ने। इतना जरूर है कि विपक्ष इस सीट पर संजीदा है और भाजपा को हराने की रणनीति पर काम कर रहा है। वैसे देखा जाए तो इस लोकसभा के तहत पड़ने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से 3 पर भाजपा का कब्जा है, 2 पर झामुमो का और 1 पर आजसू पार्टी का कब्जा है। भाजपा में तो झकझोमर चल ही रहा है। इस बीच आजसू पार्टी ने यहां से प्रत्याशी देने की घोषणा कर भाजपा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा में रविंद्र पांडे के खिलाफ बगावत की स्थिति है। ढुल्लू महतो का नाम तो चल ही रहा था, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच के टशन के बीच एक नया बिंदु भूषण दुबे का नाम सामने आ रहा है। उन्होंने बहुत तेजी से इस क्षेत्र में अपनी पैठ बनाई है। क्या चल रहा है गिरिडीह लोकसभा सीट को लेकर भाजपा और महागठबंधन में, इस पर प्रकाश डाल रहे हैं आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन। गिरिडीह लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र झारखंड का महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। इस संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। ये क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है। मुगल सम्राटों का इस क्षेत्र पर शासन रहा। ये क्षेत्र अबरख और कोयला जैसे खनिज उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। यहीं पर जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पारसनाथ भी है। इस लोकसभा सीट का गठन 1962 में हुआ। 1989 से पहले हुए चुनाव में कांग्रेस का इस सीट पर अधिपत्य था। 2 चुनाव में कांग्रेस हारी थी। अंतिम बार कांग्रेस के टिकट पर 1984 के चुनाव में सरफराज अहमद जीते थे। इसके बाद कांग्रेस यहां से कभी चुनाव नहीं जीत सकी। इस सीट पर भाजपा का खाता 1989 में खुला, लेकिन 1991 के चुनाव में झामुमो के विनोद बिहारी महतो ने भाजपा से इस सीट को हथिया लिया। इसके बाद 1996 से लेकर 2004 तक भाजपा यहां से जीतती रही और रविंद्र पांडे इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते रहे। वर्ष 2004 के चुनाव में रविंद्र पांडे के विजय रथ को झामुमो के टेकलाल महतो ने रोक दिया। अगले ही चुनाव में रविंद्र पांडे ने झामुमो को यहां से हराया और तब से अभी तक लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 2019 के चुनाव के मद्देनजर अभी तक किसी भी पार्टी ने यहां से प्रत्याशी के नाम का पत्ता नहीं खोला है। इतना तय है कि महागठबंधन होने पर यह सीट झामुमो के खाते में रहेगी। वैसे कांग्रेस के कुछ दिग्गज भी इस सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं। भाजपा में वर्तमान सांसद और बाघमारा विधायक के बीच टशन चल रहा है। भाजपा रविंद्र पांडे को रिपीट करेगी, इस पर संशय कायम है। वहीं इस सीट पर भाजपा के अंदर से प्रत्यक्ष और परोक्ष दावेदारी भी होने लगी है। सबसे ज्यादा चर्चा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो को लेकर है। माना जा रहा है
कि केंद्र और राज्य के शीर्ष पदों पर नेताओं के पास जातीय समीकरण लगाकर ढुल्लू महतो टिकट लेने की दावेदारी कर रहे हैं। इसके लिए वो कोयलांचल क्षेत्र में टाइगर फोर्स नामक संस्था बनाकर अपनी पैठ भी बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी राह में सबसे बड़ा पेंच जाति को लेकर है। ये क्षेत्र महतो बहुल है और ढुल्लू वैश्य समुदाय से हैं। भाजपा की ओर से सवर्ण और खासकर ब्राह्मण समुदाय के लिए ये सीट पक्की मानी जाती है। चूंकि रविंद्र कुमार पांडे ब्राह्मण हैं, इसलिए भाजपा की सीट उन्हें मिलती रही है। लेकिन इस बार उनकी स्थिति पतली है। वो काफी बदनाम हुए हैं। लगातार 5 बार से गिरिडीह लोकसभा का चुनाव जीतने वाले सांसद रविंद्र कुमार पांडे को जहां एक ओर अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरोध का सामना कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों ने इस बार एकजुट होकर गिरिडीह सीट झटकने की पूरी रणनीति तैयार कर ली है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के उम्मीदवार रविंद्र कुमार पांडे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। जनता में सांसद के खिलाफ आक्रोश था, लेकिन मोदी लहर में सांसद पांडे की वैतरणी किसी तरह पार हो गई। लेकिन उस मोदी लहर में भी झामुमो के उम्मीदवार और डुमरी विधायक जगन्नाथ महतो ने उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। जहां भाजपा के रविंद्र कुमार पांडे ने चुनाव में कुल 391,905 वोट पाकर विजय हासिल की, वहीं झामुमो के जगन्नाथ महतो ने अकेले दम पर कुल 351,600 वोट लाकर भाजपा उम्मीदवार को नाको चने चबवा दिया था। झामुमो के इस प्रदर्शन ने सभी राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। वहीं झाविमो के शबा अहमद ने भी 57,380 वोट लाकर संतोषजनक प्रदर्शन किया था। सांसद रविंद्र कुमार पांडे के लिए इस बार विपक्षी गठबंधन की रणनीति के साथ साथ पार्टी के अंदर खुद के खिलाफ असंतोष और भीतरघात से निपटना भी काफी कड़ी चुनौती होगी। पार्टी के कई बड़े नेता उनसे असंतुष्ट चल रहे हैं। इसमें कई सांसद, विधायक और पदाधिकारी शामिल हैं। बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो तो पहले से ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सूत्रों से ये बात सामने आ रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के झारखंड दौरे के वक्त पार्टी के एक धरे ने सांसद रविंद्र कुमार पांडे की कार्यशैली और अन्य विवादों की शिकायत भी की थी। यही कारण है कि इस बार गिरिडीह लोकसभा सीट से किसी अन्य उम्मीदवार को टिकट देने की बात भी सामने आ रही है। अब ऐसे में रविंद्र पांडे पार्टी में अपनी स्थिति और हैसियत बचाने में लग गए हैं, लेकिन गिरिडीह सीट बचा पाना उनके लिए मुश्किल ही लग रहा है। ढुल्लू और रविंद्र पांडे में चल रहे टशन के बीच भाजपा नेता और स्वच्छ भारत अभियान और गंगा सफाई अभियान के संयोजक बिंदु भूषण दुबे पिछले 2 वर्ष से लगातार इस क्षेत्र में कैंपेन किए हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में इन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई है। गिनीज बुक में इन्हें समाहित किया गया है। पद मिलने के बाद इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगभग 350 कार्यक्रम किए हैं और इसकी चर्चा राष्ट्र स्तर पर भी हो रही है। इस अभियान को लेकर पार्टी के राष्ट्र स्तर तक इन्होंने पहचान बनाई है। हालांकि भाजपा से किसे टिकट मिलेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन कयास यही लग रहे हैं कि अगर ब्राह्मण से ये सीट ली जाएगी तो किसी ब्राह्मण उम्मीदवार को ही दी जाएगी और इस हिसाब से बिंदु भूषण दुबे आशान्वित हैं। दूसरी तरफ इस बार प्रमुख विपक्षी दल झामुमो, कांग्रेस और झाविमो ने गिरिडीह लोकसभा सीट को झटकने का पूरा खाका तैयार कर लिया है। इस संबंध में तीनों दलों के शीर्ष नेताओं की कई बार की बातचीत हो चुकी है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 5 पर एकजुट होकर जीतने वाले साझा उम्मीदवार के पक्ष में लड़ने की सहमति बन गई है। इसमें गिरिडीह, रांची, राजमहल, लोहरदगा और दुमका की सीटें शामिल है। ऐसे में गिरिडीह सीट पर पहले से मजबूत झामुमो को झाविमो और कांग्रेस का साथ मिलने से भाजपा उम्मीदवार के लिए जीत की राह आसान नहीं होगी। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।